बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो, हम कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये कौन बेटी है जो अभी पढ़ना बाकी है जी? क्या अमीरों की बेटियां पढ़ना बाकी है क्या? हमारे ही तो परिवार की बेटियां हैं जिसकी पढ़ाई बाकी रह गई। और इसलिए जो सपना बाबा साहब ने देखा था, उन सपनों को हम सपनों मिलकर के पूरा करना है। और ये पूरे हो सकते हैं, पूरे हो सकते हैं। आज का ये दृश्य देख करके देश की अर्थरचना पर जो आर्टिकल लिखते हैं ना, उनको भी नए सिरे से सोच करके लिखना पड़ेगा। ये अगर मैं कह तो नहीं सकता हूं लिखेंगे, लेकिन लिखना तो पड़ेगा। ये बदलाव है, ये बदलाव है। इस देश में एक तबका जिसको कभी मान सम्मान तक मिलता नहीं था, वो आज कहता है कि मैं ऐसा आगे बढ़ूं ताकि मैं किसी को सम्मान से जीने का अवसर दूं, मैं उसको रोजगार दूं। ये सोच जो है ना, वही शक्ति है। और उस शक्ति के भरोसे आप आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर एक बार आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और फिर एक बार विश्वास दिलाता हूं, आइए हम कंधे से कंधा मिला करके चले, कदम से कदम मिला करके चले। और मुझे ये भी खुशी है, अभी आप हमारे मिलिंद जी ने वर्णन किया कि लंदन में बाबा साहब अम्बेडकर का जो मकान था वहाँ स्मारक बनाया, लेकिन उसकी क्रेडिट पहली किसी जाती है तो कल्पना को जाती है, क्योंकि सबसे पहले आवाज़ उठाई थी कल्पना ने। उसने आवाज़ उठाई कि भाई जागो, ये मकान बीच बिक रहा है। और हम जागते थे, हमारे कान पर आवाज़ आई, और आज वो मकान एक प्रेरणा का केंद्र बन जाएगा। देश की युवा पीढ़ी जब भी लंदन जाएगी तो देखेगी कहाँ इस जगह पे बाबा साहब अम्बेडकर ने शिक्षा ग्रहण की और हिंदुस्तान को एक नया जीवन देने का प्रयास किया। लेकिन फिर एक बार मैं कहता हूं, आपने जो कर्तव्य का रास्ता चुना है, देश को भी आप इस रास्ते की प्रेरणा देते रहिए, हम सबको प्रेरणा देते रहिए। फिर एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि यहाँ बैठे समुदाय ने अधिकार से अलग कर्तव्य करके दिखाया है, बाबा साहेब के बताए हुए रास्ते पर वे चल रहे हैं, सरकार की तिजोरी और गरीबों का पेट भर रहे हैं और निराशा के माहौल में जीने की आशा का संदेश दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही सार्थक बात कही है, हम उसके लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अब डिक्की के मेंटर श्री चंद्रभान प्रसाद सभी के प्रति आभार व्यक्त करेंगे। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much for joining this celebration. This is a very special kind of celebration. This is a celebration for the idiom of suit and boot. It is in this suit and boot Babasaheb Ambedkar wrote our future. To us, suit and boot is a dress of emancipation. Thank you, sir. Sir, blessed we are. Blessed we are because of your presence. Our dream of realizing 100 Dalit billionaires rise in this country will come true. If one Robert L. Johnson, the first black billionaire in the US, could inspire a generation of black youth into businesses, our Dalit billionaires will do that in this country. Thank you, Social Justice Minister Gahlot Sahab. Thank you, CII President. Thank you, Mr. Milind Kamble. India's Washington T. Booker, black intellectual Washington T. Booker, set up first black business league in Chicago in 1900.
Mr. Milind Kamble, our own Washington T. Booker, you are 105 years late. Why this delay? Why did it not happen, Mr. Washington Booker, 105 years back? Look at this picture. This picture of 1200 Dalit crorepatis should have happened in 1900. Prime Minister sir, भूखी दलित माताओं के पेट से ये 1200 करोड़पति पैदा हुए हैं. कोई एक इधर से पिक्चर ले ले. श्री चंद्रभान प्रसाद भावुक हो उठे हैं, हम उनका आभार व्यक्त करते हैं. सभी के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं और डिक्की के चेयरमैन श्री मिलिंद कामले से हम अनुरोध करते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक स्मृति चिन्ह भेंट करें. अनुसूचित जाति और जनजाति के उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उद्घाटन सत्र का हम यहाँ समापन करते हैं. अगला सत्र इसी सभागार में आधे घंटे बाद प्रारंभ होगा. और अब आप सभी सादर जलपान के लिए आमंत्रित हैं. एक सेकंड, आई थिंक ही इज गोइंग डाउन फॉर. अच्छा अच्छा, ओके ओके, लेट हिम गो.